खंडवा जिले के मुंदीनगर में डॉक्टर रामकृष्ण इंगला को बीएमओ पद से हटाने के बाद सभी डॉक्टर, नर्स और आशा कार्यकर्ता गुरुवार को मांधाता विधायक नारायण पटेल के कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया कि पुनासा एवं मुंदी सीएचसी की दोनों एम्बुलेंस खराब है, जिसकी जानकारी बीएमओ ने पूर्व में वरिष्ठ कार्यालय को दी थी। एम्बुलेंस के अभाव में स्वास्थ्य सेवाओं पर विपरीत असर हो रहा है। इस कारण मुंदी पुनासा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाए। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बीएमओ को पद पर यथावत रखने के संबंध में एसडीएम सीएस सोलंकी को भी गुरुवार को ज्ञापन सौंपा है। विदित हो कि सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत के बाद प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि बतौर प्रभारी मंत्री उषा दीदी ठाकुर, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, मानदाता विधायक नारायण पटेल के साथ बुधवार को मुंदी पहुंची थी। मुंदी से नवाब खान के साथ शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। ये मामला आया था कि स्वास्थ्य विभाग की अधिकारी और कर्मचारी जनता के बीच में लेकर उनको कुछ विषय ऐसा आया कि उसी को लेकर अभी पूरे ब्लॉक के स्वास्थ्य विभाग का पूरा हमला आया था और उनने भी कहा कि इस पर इस प्रकार की बात हुई है, वहाँ पर हम लोगों से सहयोग किया गया मगर भीड़ ज़्यादा थी, इलाज हुआ है, कुछ कमी हुई भी हो तो जनता बता रही है, अगर ऐसा कोई विशेष मेरे पास सामने है नहीं है कि क्या कमी हुई क्या नहीं। एक्सीडेंट खतरनाक था, हादसा बड़ा खतरनाक था, उसमें डॉक्टरों का कहना है, उनके कहने के मानते हमने उपचार किया मगर हम बचा नहीं पाए। देखिए ये विषय मैंने भी कलेक्टर साहब को बोल दिया और प्रभारी मंत्री ने भी शायद जांच दल गठित कर, अभी अभी विषय सामने आएगा कि उस समय तात्कालिक कौन था, कौन नहीं था और क्या किनकी गलती है। अब ये विषय जांच का विषय है, जो इस प्रकार का कोई धक्का है मेरे संज्ञान में आप ला रहे हैं उसकी भी मैं भी मॉनिटरिंग करूँगा और इलाज अस्पताल में इस प्रकार का कोई वारदात हुआ हो तो मैं भी उसकी जाँच करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।